हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। माय सेल्फ डॉक्टर विकास यादव, IN MBBS फाइनल ईयर। सो बच्चों, आज इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, दैट इज योर MBBS टोटल 19 सब्जेक्ट्स। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों ने नीट दिया है, बहुत सारे बच्चों काउंसलिंग करवाएंगे और अभी मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे कुछ ही महीनों में, चंद एक दो महीनों की ही बात है, फिर आप लोग भी मेडिकल कॉलेज के द्वार के अंदर घुस जाओगे। अब भाई, हमारे अंदर बहुत क्यूरोसिटी होती है बच्चों। जब मैंने नीट क्लियर किया था ना, तो मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस देखी थी कि MBBS में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने इयर्स में पढ़ना पड़ता है। तो आप लोगों को ये तो सबको पता होगा, जब हम लोग नीट प्रिपरेशन करने जाते हैं तभी हमें सब लोग कोई ना कोई बता देता है कि भाई MBBS के अंदर टोटल 5 नहीं 10 नहीं 15 नहीं 19 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, दैट इज योर 19 सब्जेक्ट्स। तो 19 सब्जेक्ट्स, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज सम। कौन कौन सी बुक्स पढ़ना होता है, ठीक है, कितने प्रोफ्स होते हैं। तो बच्चे, अगर मैं आपको बताऊं तो MBBS के अंदर आपके फर्स्ट, सेकंड प्रोफ, थर्ड प्रोफ एंड फाइनल प्रोफ बोलते हैं उसको, फोर्थ प्रोफ बोलते हैं, दैट इज योर लाइक दैट, ठीक है। अब ये ऐसे डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट ईयर, देन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि भाई कौन सी ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट ईयर की बच्चों, तो फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोगों को 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, दैट इज योर फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड द थर्ड वन विच इज द मोस्ट एंड हार्ड डिफिकल्ट, दैट इज योर एनाटॉमी। बच्चों, एनाटॉमी में मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं, लगभग 60-70% बच्चे फेल होते हैं, हर साल की कहानी होती है। ये मैं सिर्फ MP की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं MP से बिलोंग करता हूँ, ये ऑल ओवर इंडिया की कहानी है। तो इसलिए आप लोग के लिए एक पहले से ही प्री एडवाइस है कि भाई एनाटॉमी अच्छे से पढ़ते रहना, साल भर डायग्राम बना बना के पढ़ना, कुछ और प्रॉब्लम होती है तो मुझे मैसेज कर देना, मेरे पास शॉर्ट नोट्स, इमेजेस, बाकी सारी प्रिपरेशन मटेरियल है MBBS का भी फर्स्ट ईयर का, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम की चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, उस पर ज्वाइन कर ले, वहां स्टडी मटेरियल डाल दूंगा, ओके। चलो, ये फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट्स हो गए आपके। अब सेकंड ईयर की बात कर लेते हैं भाई साहब, सेकंड ईयर के अंदर क्या पढ़ना होता है। देखो बच्चों, मैं मेरी बात करूं, मेरे टाइम पे ना सेकंड ईयर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता था, आपका पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन, 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे। लेकिन लास्ट ईयर से करिकुलम चेंज हो गया है और अब आपको सेकंड ईयर के अंदर केवल 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। मेरे टाइम पे सेकंड ईयर 1.5 साल का हुआ करता था, इस अब से पिछले साल से सेकंड ईयर 1 साल का कर दिया गया है। तो भाई साहब, अब आपके 3 सब्जेक्ट्स कौन कौन से बचे, दैट इज पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। यहां से फॉरेंसिक मेडिसिन हटा के थर्ड ईयर में कर दिया गया है, ठीक है। सो आपके कितने सब्जेक्ट्स हो गए, टोटल 6 सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, 3 फर्स्ट ईयर में, 3 सेकंड ईयर में। अब थर्ड ईयर पे आ जाते हैं। थर्ड ईयर में क्या होता था, पहले सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे, दैट इज योर PSM, ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। लेकिन अब जो फॉरेंसिक मेडिसिन सेकंड ईयर का था, उसको थर्ड ईयर में पटक दिया है, सो दैट इज थर्ड ईयर के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हो गए। कौन कौन से भाई साहब, दैट इज फॉरेंसिक मेडिसिन एंड अनदर वन इज ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड PSM, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हो गए, तो 3 3 6 उधर और 4 ये, थर्ड ईयर तक हम लोग 10 सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। अब बात आती है फाइनल ईयर की। भाई साहब, ये सबसे बड़ा ही ईयर होता है, बड़ा इन द सेंस टाइम ड्यूरेशन में नहीं, सब्जेक्ट्स वाइज। यहां 9 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कौन कौन से भाई साहब, 9 सब्जेक्ट। तो लिटरली आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, अभी मेरी बुक्स भी दिखा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मेरा स्टडी टेबल दिखाऊंगा, तो वहां आपको बुक्स दिखा दूंगा कि भाई फाइनल ईयर की किताबें कैसी होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से 9 सब्जेक्ट, तो इनमें टोटल 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, दैट इज जो मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया एंड गायनेकोलॉजी, ठीक है। ये 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। साथ में इनके छोटे छोटे सब्जेक्ट्स और होते हैं, लाइक मैं स्टार्टिंग करता हूं आपका किससे, ऑर्थो से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सबसे पहले ऑर्थो, उसके बाद आपकी साइकियाट्री, देन आपकी डर्मेटोलॉजी, देन आपकी एनेस्थीसिया, और एक और आपकी कौन सी बच रही, रेडियो। 5 ये सब्जेक्ट्स हो गए, 4 और टोटल 9 सब्जेक्ट्स। इट कंप्लीट्स अ स्लॉट ऑफ टोटल 19 सब्जेक्ट्स। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको MBBS में पढ़ने होते हैं बच्चों, एंड आई होप सो कि सबको सब क्लियर हो गया होगा। अब MBBS में कौन से कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने ईयर्स में पढ़ना होता है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। तो यार, अगर वीडियो पसंद आई है, प्लीज एक लाइक तो बनता ही है, शेयर जरूर बनता है अपने सारे वो को एस्पिरेंट्स को जिनको डॉक्टर बनना है, जिनको MBBS में जाना है, भाई उनको भी तो पता हो कि हमें कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितने ईयर्स में पढ़ने हैं, वो सारी चीजें उनको बता दीजिएगा, ठीक है।
तो एमबीबीएस खत्म होने के बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप और होती है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो। हाँ, एक और बात मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि मैं आपको बता दूंगा बुक्स, मेरी स्टडी टेबल, उनकी पिक्चर्स मैं आपको डाल दूंगा कि भाई देखो ऐसी ऐसी पिक्चर्स होती है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। चलो, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।